हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हो जानी चैम, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर से होंगे, अल्लाह सब भाइयों को सलामत रखे। तो आइए आज की वीडियो में थोड़ी बहुत ही मालूम कर लेते हैं। भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि यार बता दिया करो, आप डेली व्लॉग बना लिया करो, हमें थोड़ी बहुत ही मालूम दे दिया करो, हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार होता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आप सबको पता है एमी बस फेक न्यूज़ें चल रही हैं। दिल ही नहीं करता, हमारा दिल भी नहीं करता कि न्यूज़ देखें, जो सिस्टम जैसा भी है। तकरीबन चाहने वाले फैंस जो हैं हमारे वो यही कहते हैं कि भाई आप हमें मालूम दे दिया करो, क्या क्या हुआ, क्या सीन है। जैसे कि अगले दिन एक भाई का कमेंट आया, उस कमेंट पे मैंने फोकस किया है, तो वो कमेंट भाई बोल रहा था कि भाई रिजवान खान 46 जो हर टाइम उसके साथ होता था, शानवाज के साथ होता था, तो उसकी मालूम कह रहा था कि भाई उसकी मालूम दो आजकल वो बंदा कहाँ पर है। क्योंकि वो रिजवान खान जानते हैं, तकरीबन बंदे जानते हैं, सब भाई जानते हैं, हर टाइम शानवाज के साथ होता था, माना हम उसे प्यार से बुलाते हैं रिजवान, माना रिजवान खान। तो वो तकरीबन 6 महीने हुए हैं भाई शानवाज से गायब हो गया है। गायब क्या हो गया है उसने, मतलब के बताता हूँ आपको सारी मालूमात। तो पहली बात ये कि जब तक वो शानवाज के साथ था, मैंने नहीं सुना कभी उसके साथ कोई मसला हुआ हो। कहती है ना कि यार मैं तो था, मैं बड़ा दूर रहता हूँ, मैं जाता था शानवाज के पास, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, तो एक बंदे के साथ मुखलिस यार हो ना तो बंदा कभी मार नहीं खाता। उसका भी वो मुखलिस यार था, भाइयों की तरह जैसे होता है, ऐसे समझो कि शानवाज और रिजवान एक ही थे। तो हमारा भी प्यारा भाई है, हमारा भी वो लव है उससे, या शानवाज से था या उससे है, और भी दोस्त हैं। तो एक भाई ने बोला कि भाई उसकी मालूमात दो, वो आजकल कहाँ है, कितने मंथ हो गए, गायब हो गए। तो उसकी मेन चक्कर यह है कि उसने कर लिया शादी, हमारा वो शादीशुदा भाई बन गया है, उसने शादी कर ली, तकरीबन कोई 5-6 महीने हो गए हैं, तो वो इस साइड से दूर हो गया। बाकी कोई उससे शानवाज से नहीं, एक लड़के कहते हैं कि कोई सोच रहे होंगे शानवाज से कोई मसला बना, कोई मसला नहीं बना। वैसे अभी भी वो ऐसे समझो कि वो शानवाज की जब डेथ हुई है था, लड़के बोल रहे हैं वो कहीं पे नज़र नहीं आया, वो था भाई जनाजे में हर जगह था। तो वो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से दूर हो गया, फैमिली की वजह से कहते काम कार करने लग गया, हमारा मेहनत वाला भाई बन गया है, उसने व्हीलिंग वगैरह टिकटॉक सब चैन चक्कर ख़त्म कर दिए हैं। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो बस वो काम पे जाता है या अपनी बस ज़िंदगी एंजॉय करता है फैमिली के साथ, घर वालों के साथ। तो अच्छी बात है, बंदे को ऐसे ही होना चाहिए, जब बंदा शादी कर ले ना उसका हक बनता है कि वो सब काम धंधे छोड़ दे। तो उसने भी बस शादी किया जब से, तो अल्लाह ने उसको सही राह पे चला दिया है। वैसे भी वो ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा। उसके बाद मतलब वो अपनी फैमिली पे भी फोकस करता है या अपने काम कार पे फोकस करता है, अपने काम पे जाता है, वापसी आके घर शानवाज को मिलता रहता था, लेकिन इतना वो गेम शेम ख़त्म कर दी थी, वो गेम भी करता था। तो उसके अलावा वैसे भी वो शानवाज के साथ तकरीबन हर जगह जाता रहता था, तकरीबन भाई उसको जानते होंगे। तो भाई पूछ रहे थे, कुछ ऐसे दोस्त हैं शानवाज के जो होते थे शानवाज के साथ दूर चले गए, बहुत थे, बहुत गए हैं। शानवाज ने सब कुछ छोड़ा इसलिए कि सभी बस आपको पता है टाइम पास ही होते हैं। जिसको पता चलता था शानवाज का, शानवाज को पता चलता था कि ये टाइम पास है, छोड़ देता था उसे, सीधी बात है, साइड पर हो जाता था। तो वो अच्छे बंदों के साथ घूमता था शानवाज का, ये सबसे मेन होता है वो ना, जैसे खुद दिल का अच्छा तार, दो नंबर बंदे के साथ नहीं घूमता था, कहता यार मैं दिल नहीं मानता मैं बंदों के साथ घूमता रहूं। रिजवान के साथ, रिजवान से दूर भी हो गए थे, मतलब रिजवान मिल लेता था उसको, तकरीबन मिलता रहता था, लेकिन ये है कि उनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ था, जो बात जैसे इज्जत कभी ख़त्म नहीं हुई। तो रिजवान भी हमारा ऐसे समझो कि बहुत ही प्यारा भाई है, हमारे भी दिल के बहुत करीब है, बहुत इज्जत करते हैं हमारी, बहुत बहुत लाभ है उसके साथ। तो बाकी शानवाज भी था, अल्लाह को शायद ये ना मंजूर था उसकी, जहाँ तक ज़िंदगी लिखी थी अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। तो सब भाई शानवाज के हक में दुआ किया करो लाजमी। तो बाकी और भी उसके दोस्त हैं शानवाज के, बहुत ही हैं यार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझदार हो आप, तो इतने वो तो नहीं हैं। तो भाई पूछ रहे थे यार मेन यही शानवाज का दोस्त था रिजवान, जो शानवाज से दूर हुआ था 2-4-5 महीने पहले, सिर्फ इसी वजह से। वो कह रहे हैं आजकल वीडियो नहीं बना रहा, यार वो नहीं है ऐसा लड़का, वो बस शानवाज वालों के साथ था, वीडियो बना लेता था, आजकल वीडियो नहीं बना रहा, वो अपने बस काम कार में है, घर में बिजी, नमाज वगैरह ये वो, तो उसमें ही बिजी रहता है, इतना फोकस नहीं करता वो, बस कभी उसने पिक्चर लगा दिया, कभी कोई वो कर दिया, इसके अलावा उसका कोई चेंज कर व्हीलिंग ये वो घूमना फिरना सब उसने ख़त्म कर दिया है। तो आपको पता है जब एक बंदे पर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो वो सब कुछ छोड़ देता है। उसके अलावा शानवाज के केस के बारे में बातें चल रही थी, तो अभी तक कोई बात नहीं सुनी न्यू, इंशाल्लाह रात का देखो कोई है सुना, एक दो लड़के दोस्तों से रब्ता हुआ था न्यूज़ वाले, उन्होंने कहा हम इंटरव्यू पे जाएंगे,
तो कोई न्यू बातें मालूमात करनी है तो वही कहता फिर हम करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा जो भी हमें मालूमात मिलेगी, न्यू मिलेगी। तो आप बाकी आप सुन तो रहे हो, वो डेली उसकी न्यू ड्रामा होता है, कभी क्या कभी क्या, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। तो देखो क्या हो गया, हुआ है कुछ? अच्छा तो हाथ क्यों कम दे, हाथ कम दे बहन, कम दे बहन। अच्छा तो डेली उसका न्यू ड्रामा होता है कि भाई मतलब कि डेली फिल्में चलाता है। उस शाहनवाज के वकील का भी आपने इंटरव्यू सुना होगा कि वो एक उसने प्लान गेम फिल्म रचाई हुई है, उसी वही घुमा रहा है कि मैंने अपने बचाव के लिए, यार अपने बचाव के लिए इतने बंदा मार दिया है, ऐसे थोड़ी होता अपने बचाव के लिए। तो उसको तूने उसको टांग पे फैर मारा था, ठीक है छोड़ देता, टांग पे फैर लग जाता वो और बात थी। तू कहते मेरे घर, यार बहुत बातें हैं घुमा फिरा के बंदा करे तो बहुत लंबी हो जाती हैं, उससे अच्छा है कि बंदा बस आप सब भाई उसकी उसने ना कोई ऐसे बंदों को मतलब वो कर रहा है, वो जहन गुमान में डाल रहा है, तो ये उसका गलत आइडिया है। बाकी जितने भी बंदे पकड़े हुए हैं जिन जिनका जितना कसूर है इंशाल्लाह उन सबको उतनी दुआ वो मिलेगी, सजा मिलेगी। तो बाकी आप भाई दुआ किया करो शाहनवाज को इंसाफ मिले। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर बताता हूँ, जो रात मालूमात होती है उनकी आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।